नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.2, जिसका नाम क्या है, द हाउस बिल्डर। ठीक है, तो अभी ये हाउस मतलब क्या होता है, घर बिल्डर यानी क्या होता है बच्चों, बनाने वाला। ठीक है, तो हाउस बिल्डर मतलब क्या, घर बनाने वाला, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, राजमिस्त्री। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। यहाँ पर एक राजमिस्त्री की कहानी दी गई है जो घर बनाते रहते हैं। ठीक है, तो अभी उनके साथ क्या क्या होता है, वो कैसे रहते हैं, ये सब हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैसन। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, मैसन। ठीक है, तो ये स्टोरी किसकी है बच्चों, मैसन की। तो मैसन मतलब क्या, राजमिस्त्री, जो क्या करते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, हु वर्क फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो किसके लिए वर्क करते थे। यहाँ पर एक मैसन मैसन की कहानी है जो किसके लिए काम किया करते थे, तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ओके, द मैसन ऑलवेज स्ट्रोव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। अभी बच्चों स्ट्रोव यानी क्या होता है, मेड ग्रेट एफर्ट्स, यानी कि एकदम परिश्रम से, मेहनत से। ठीक है, तो ये जो मैसन थे, मतलब ये जो राजमिस्त्री था, ये क्या करता था, ये हमेशा अपने काम को बहुत ही परिश्रम, बहुत ही मेहनत, यानी कि मन लगा करके किया करता था। कौन करता था, ये जो राजमिस्त्री था वो। ठीक है, अब आगे देखना। एज सुन एज अ हाउस हैड बिन डिजाइन बाई द आर्किटेक्ट एंड डिटेल्स फाइनलाइज बाई द इंजीनियर, द कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड फॉर द मैसन एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम। देखो बच्चों क्या हुआ कि जल्द से जल्द जो बिल्डिंग था, मतलब जो घर बनने वाला था, वो क्या हो गया, आर्किटेक्ट ने उसको डिजाइन कर दिया और फिर सब कुछ फाइनलाइज हो गया इंजीनियर की तरफ से। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको दे दिया, मैसन के, मैसन यानी राजमिस्त्री को दे दिया, और फिर वो फ्री हो गया। ठीक है, अब आगे देखना। द मैसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क। अब जो मैसन यानी राजमिस्त्री था, उसने बिना अपना समय गंवाए काम चालू कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग एंड डू इट विद फुल डेडिकेशन, यानी कि वो जो कौन था, ये जो राजमिस्त्री था, वो अपना काम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कर रहा था, यानी जो उसका घर बनाने का काम था ना, वो उसको एकदम मेहनत के साथ कर रहा था, फुल डेडिकेशन, यानी कि मतलब जैसे डेडिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम जब किसी काम को करते हैं और हमारे हमारा उसमें मन भी लगा हुआ होता है, मतलब तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, डेडिकेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब रुचि के साथ उसको करना चालू कर दिया, किसने किसने किया, वो जो राजमिस्त्री था उसने। ठीक है, वो ऐसे ही अपना काम किया करता था, उसको जब भी मतलब कोई भी उसको काम मिले, क्योंकि उसका घर बनाने का ही काम था। ठीक है, तो उसको कोई भी घर बनाना हो, वो हर एक घर को एकदम अपने मेहनत से बनाता था, एकदम जी जान लगा करके वो काम करता था। कौन करता था, तो ये मैसन करता था। ही मेड श्योर दैट ही यूज टू द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ हाई क्वालिटी, द मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्स, डोरवेज, आर्चेस एक्सेट्रा वर परफेक्ट एंड ही गिव एन एक्सीलेंट एंड अपीलिंग फिनिश टू वॉट एवर ही बिल्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है कि वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि कंस्ट्रक्शन में खराब मटेरियल का यूज ना हो, यानी कि अच्छा मटेरियल होना चाहिए, सब चीज़ हाई क्वालिटी का होना चाहिए, और वॉल्स हो गए, डोरवेज हो गए, ठीक है, दीवारें या फिर जो दरवाज़ा होता है वो, उनका मेज़रमेंट एकदम बराबर, वो इस बात का भी ध्यान रखा करता था। कौन रखा करता था, जो मिस्त्री था वो। ठीक है, द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउसेज बिल्ट वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो मालिक थे, मतलब मालिक रहते थे उस घर के, देखो कोई ना कोई मालिक होगा ना, जैसे कोई घर बनाया जा रहा है तो उस घर का कोई ना कोई मालिक होगा, तो जो उस घर के मालिक रहते थे ना, वो उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते थे, क्योंकि वो काम ही ऐसा करता था, हर चीज़ एकदम मटेरियल हाई क्वालिटी का, और हर चाहे वो वॉल हो, दीवार हो, या फिर चाहे डोरवेज हो, सब कुछ एकदम बराबर होता था उसका मेज़रमेंट, तो घर वाले तो खुश होंगे ही ना। तो इस तरह से जो भी मालिक रहते थे घर के, वो बहुत ही ज़्यादा उससे खुश हो जाते थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ जील डिलीजेंस। अब बच्चों जील यानी क्या होता है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। तो जील मतलब आप बोल सकते हो जैसे जोश होता है ना वो, ठीक है, और डिलीजेंस मतलब क्या, आप बोल सकते हो जैसे कि परिश्रम। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द जील यानी कि जोश एंड डिलीजेंस,
लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस। अभी बच्चों परसिस्टेंस मतलब क्या होता है, दृढ़ता, ठीक है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर कि बिकॉज ऑफ द जील डिलीजेंस लॉयल्टी एंड परसिस्टेंट दैट ही डिस्प्लेड इन हिज वर्क द मैसन वॉज इन ग्रेट डिमांड एंड फेस्ड गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर। देखो बच्चों क्या होता है ना कि इसके जील, जील मतलब क्या बताया था मैंने, जोश, ठीक है। डिलीजेंस यानी क्या, क्या बताया था, परिश्रम, और लॉयल्टी, लॉयल्टी तो आप लोग जानते ही हो, एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस यानी क्या बच्चों, दृढ़ता, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो वो अपने काम में दिखाया करता था, ठीक है, क्या क्या दिखाया करता था, जील, जील, डिलीजेंस, लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस, ठीक है, इनके कारण जो मैसन था उसका डिमांड क्या हो गया, मतलब बढ़ गया, ठीक है। एंड फेस गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, और जो उसका कॉन्ट्रैक्टर था उसका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलने लगा, ठीक है। सबसिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंस्ड द मैसन, मैसन हैंडसमली विथ अ वेरी गुड सैलरी, ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली सफिशियंटली विदाउट एनी स्केयरसिटी। अब देखो बच्चों क्या होता है कि जिसका परिणाम क्या हुआ, मतलब जो कौन था ये राजमिस्त्री, उसकी डिमांड बढ़ गई ना, और उसके वजह से जो उसका कॉन्ट्रैक्टर था उसका भी काम बढ़ गया, ठीक है, उसकी अच्छी आमदनी होने लगी। तो जिसके कारण इसका परिणाम क्या होता है कि जो ठेकेदार यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने वो पहले उसको जितना सैलरी दिया करता था उससे वो बढ़ा करके देने लगा, ठीक है, मतलब उसकी सैलरी उसने क्या की, बढ़ा दी, ठीक है। जिससे जो वो राजमिस्त्री था वो अपने परिवार की हर एक छोटी बड़ी डिमांड को, मतलब जो भी उनकी ज़रूरतें होती थी उनको वो पूरा कर पाता था। कौन पूरा कर पाता था, तो वो राजमिस्त्री, क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ गई थी ना इसके लिए। आगे देखिएगा, द मैसन दस कंटिन्यूड वर्किंग विथ ग्रेट डिवोशन फॉर मेनी ईयर्स टिल ही बिकेम अ ग्रैंड फादर। यानी कि जो राजमिस्त्री था वो इसी तरह से अपना काम कंटिन्यू करता गया, मतलब वो उसी तत्परता के साथ वो काम करते रहा। और उसने कब तक काम किया, मतलब कब तक काम करता रहा, जब तक वो दादा बन गया, क्या बन गया, दादाजी, ठीक है, यानी कि वो बुढ़ा हो गया था अभी वो मैसन, ठीक है, तब तक वो अभी काम कर रहा था, यानी कि उसके पोते पोती हो गए थे। फिर देन ही डिसाइडेड दैट इट वॉज टाइम टू रिटायर एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर देखो ये जो दादाजी थे यानी कि राजमिस्त्री, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब उनको क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए अपने काम से, और जो भी उनका टाइम है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि जो उनके पोता पोती हैं उनके साथ उनको टाइम स्पेंड करना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए, ठीक है। Being a firm minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building. फिर उसने क्या किया, और मतलब ऐसा उसके मन में विचार आया और फिर उसने कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया कि मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने काम से रिटायरमेंट चाहिए, ठीक है, अब मैं अभी घर बनाने का काम नहीं करूँगा, ऐसा उसने कॉन्ट्रैक्टर से कहा। The contractor was very disheartened to lose such an excellent workman and asked to Mason to continue his job, but to no avail. The Mason had made up his mind and refused to carry on. देखो बच्चों जब उसने ऐसा बोला ना, तो जो contractor था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, दुखी हो गया, disappointed हो गया, disheartened मतलब felt disappointed यानी कि उसको बहुत ही खराब लगा। उसने उससे request की कि please आप काम मत छोड़ो, आप ये काम करते रहो, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करता था और जो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस इतना आगे बढ़ा था, है ना, बहुत ज़्यादा वो लोग पैसे अभी कमा रहे थे। तो इसने क्या बोला कि अभी आप अपना काम मत छोड़ो, ठीक है, आप अपने जॉब को कंटिन्यू करो। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, उन्होंने तो अपने मन में ठान ली थी कि अब उनको क्या करना है, रिटायरमेंट तो लेनी ही है। तो कॉन्ट्रैक्टर के बार बार समझाने पर भी ये नहीं माने और ये अपनी बात पे अड़े रहे, ठीक है। Finally, the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site as a special favor. देखो बच्चों अब उसके बाद, अब जब ये राजी नहीं हुए तब जो contractor थे उन्होंने क्या बोला, मतलब उनको इस बात पे राजी कर लिया कि वो क्या करेंगे, जो मिस्त्री हैं वो क्या करेंगे, लास्ट हाउस बनाएंगे, मतलब अंतिम घर बनाएंगे एक बहुत ही अच्छे जगह पर, ठीक है, समझ में आया। इन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, बस ये लास्ट घर बना देना, एक कन्वीनियंट साइट है, ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट साइट वहाँ पर, ठीक है। द मैसन एग्रीड टू डू सो विथ ग्रेट रिलक्टेंस,
नॉट टू हैप्पीली आइदर। देखो बच्चों, अब ये जो मैसन थे, मतलब राजमिस्त्री, वो उन्होंने इस बात के लिए अग्री तो कर दिया, मतलब उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं लास्ट, मतलब मेरा अंतिम घर भी बना दूंगा, लेकिन वो पूरे मन से उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। जैसे हमसे कोई कुछ कहता है तो हम कैसे ऊपर ऊपर से बोल देते हैं ना कि हाँ हाँ कर देंगे। जैसे आपको किसी ने बोला काम करने के लिए, अभी आपका मन नहीं है वो काम करने का, तो आप क्या कहते हो कि आप उनको मना भी नहीं कर सकते, तो आप क्या कहते हो, ठीक है चलो हम लोग हम उस काम को कर देंगे। तो आपने ऊपर ऊपर से बोला, आपका मन उसमें नहीं रहता, तो फिर वो काम क्या होता है, बिगड़ जाता है ना। जिस काम में मन ना हो उसको ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि वो काम करके भी कोई फायदा नहीं होता, वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही ये जो मैसन थे, इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं काम कर दूंगा, लेकिन वो ऊपर ऊपर से ही बोला, पूरा अपने मन से अंदर से उन्होंने नहीं बोला। ठीक है चलो अभी आगे देखो। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन था, निर्माण कार्य था, वो शुरू हो गया था। इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुली डिजाइन हाउस टू बिल्ड एट अ सॉट आफ्टर लोकेशन, यानी कि बहुत ही अच्छा घर था और ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन भी किया गया था, और इसका जो लोकेशन था वो भी कैसा था, अच्छा था। ठीक है, हाउ एवर द मैसन कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट इन हिज वर्क, और इसके बावजूद भी, यानी कि घर घर का लोकेशन भी अच्छा था, घर का प्रारूप भी अच्छा था, लेकिन फिर भी जो मैसन थे, ठीक है, वो इस काम में अपना मन नहीं लगा रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपने दिल से काम नहीं कर रहे थे। ही डिड हिज वर्क वेरी रफली एंड केयरलेसली, यानी कि वो अपना काम बहुत ही रफली और केयरलेसली कर रहे थे, मतलब ध्यान दे के नहीं कर रहे थे, विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, बिना इंटरेस्ट और डेडिकेशन के। मतलब पहले वो कैसा पूरा इंटरेस्ट ले लेके काम किया करते थे, ठीक है, एकदम डेडिकेशन के साथ, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा था ना, और जब मन नहीं लग रहा था तो कैसे वो काम कर पाएंगे, है ना। तभी देखिए क्या होता है, इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वॉज ऑफ लो क्वालिटी बट ही डिड नॉट केयर, मतलब जो सामान था, जो भी मटेरियल था, वो लो क्वालिटी का यूज हुआ, लेकिन फिर भी इनको उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। ही सिंपली वॉन्टेड टू कम्प्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर, वो क्या चाहते थे कि जल्द से जल्द वो बस इस काम को ख़त्म करे, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इस काम को ख़त्म करे और रिटायर हो जाए। ठीक है चलिए अभी आगे देखिए। द हाउस वॉज रेडी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर, वीक वॉल्स, पुअर फिनिश एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल एज डिजाइन। देखो बच्चों, जो घर था वो बहुत ही जल्दी बन करके, यानी कि समय से पहले ही बन करके तैयार हो गया, और बहुत ही उसका स्ट्रक्चर कैसा, बहुत ही रफली था, जैसे पहले घर वो बनाया करते थे वैसे ये नहीं था, बहुत ही बेकार था, ठीक है, दीवारें कैसी कमजोर थी, पुअर फिनिश, फिनिश भी अच्छा नहीं था, एंड डिड नॉट लुक गुड एज गुड एट ऑल, मतलब वो अच्छा भी नहीं दिख रहा था, कौन, वो घर जो इस मिस्त्री ने बनाया था, ठीक है, जैसा उन्होंने सोचा था वो वैसा घर नहीं दिख रहा था, बहुत ही बेकार रफली ऐसे दिखाई दे रहा था। येट द मैसन डिड नॉट केयर, मतलब इसके बावजूद भी जो मैसन थे, मिस्त्री थे, उनको इसकी परवाह नहीं थी। ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर दैट द हाउस वॉज रेडी एंड ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर इट कीज टू हिम, यानी कि उन्होंने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको इन्फॉर्म कर दिया, और वो क्या कर रहे थे, उनका वेट कर रहे थे कि कब ये आए और कब ये क्या करे, घर की चाबी उनको दे और फिर रिटायर हो जाए। ठीक है चलिए अभी आगे देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड एट द साइट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो साइट पर पहुंचे। ही हैड अ फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड, यानी कि उनके हाथ में लीगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कानूनी जो कागजात होते हैं ना, उसके उसकी फाइल थी। द मैसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउस कीज टू हिम, यानी कि जो मैसन राजमिस्त्री थे उन्होंने क्या किया, जो नए घर की चाबी थी वो उनको सौंप दी, मतलब दे दी। बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर थे, यानी कि जो ठेकेदार थे, वो घर को देखने के लिए अंदर नहीं आए। ठीक है, इंस्टेड विथ अ ब्रॉड स्माइल ही हैंडेड ओवर द फाइल अलोंग विद द हाउस कीज टू द मैसन एंड सेड बीमिंग हैप्पी टोन। देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया, वो घर को देखने के लिए अंदर तो नहीं आए, उन्होंने क्या किया ना, एक स्माइल दी उस राजमिस्त्री को, और उन्होंने वो जो फाइल लाए थे ना वो उनको देने लगे, और किसके साथ, जो हाउस कीज थी यानी कि जो घर की चाबी थी वो भी दे रहे थे। ठीक है, उन्होंने दिया और फिर एकदम स्माइल के साथ खुश होकर के बोला, क्या कहते हैं
कि दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू हाउस इन योर नेम, यानी कि ये क्या है, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये क्या है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ दिस न्यू हाउस, यानी कि ये जो नया घर है इसके ओनर कौन हो, आप हो, ये ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, द हाउस इज योर्स, ये घर आपका है। आई हैड प्लान इट एज अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने क्या किया था, प्लान किया था कि मैं आपको क्या करूँगा, ये उपहार के रूप में दूंगा, ठीक है, मैंने इसके लिए योजना बनाई थी। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह से ये जो स्टोरी है ये यहाँ पे फिनिश होती है, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखा आपने, ये जो हाउस बिल्डर थे, राजमिस्त्री, सबका घर तो इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन अपना घर इन्होंने बिगाड़ लिया, है ना। तो इससे हमको क्या सीखने के लिए मिला, एक बात तो हम सीख चुके हैं कि जिस काम में आपका मन ना लगे उसे आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो काम पक्का बिगड़ेगा। जैसे राजमिस्त्री घर बनाया तो बनाया, बेमन से बनाया ना, तो कितना बेकार घर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेसन फिनिश होता है।